सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। दोस्तों, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट फरवरी 2020 स्पेशल के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होने थे उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है 9 फरवरी 2020 को, जिसके लिए आवेदन करने पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। अगर आप भी यहां पर क्वालिफिकेशन रखते हैं और आवेदन करना चाह रहे हैं इस भर्ती के लिए, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको करेक्शन करने का कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। आवेदन 9 फरवरी से शुरू हुए हैं और क्लोजिंग डेट है 15 फरवरी, ठीक है, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 25 फरवरी को जारी किया जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। तो देखिए, इस पेज पर आपको आना है। इस पेज पर आप आएंगे, यहाँ पर इस पेज का आपको लिंक रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर पर, और इस पेज पर आप आ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर साथियों आ जाएंगे तो आप नीचे आएंगे, नीचे देखिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइवर के लिए SC ST असिस्टेंट कमांडेंट फरवरी 2020 बैच के लिए आवेदन मांगे गए हैं मेल कैंडिडेट, ठीक। यहाँ पर जो पोस्ट है वो पहले से अप्लाई रहेगी, आपको केवल आई एग्री पर क्लिक करने के बाद ओके करना है बस। जैसे ही आप इतना करेंगे आपके सामने एक इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी चीजें कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार, जैसे कि आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना है, जैसे कि वर्मा गुप्ता जो भी हो वो लास्ट नेम होता है, ठीक है। फिर नहीं है तो आप केवल फर्स्ट नेम डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, इस प्रकार से आपको फादर नेम डालना है। फिर यहाँ पर मदर नेम आपको इस प्रकार से डालना है। फिर आपकी जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर इस प्रकार से आपको डालना है इस स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एक डालते देते हैं, देखिए हमने अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है। तो ऐसे आपको ईमेल आईडी देना है, याद रखिएगा एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई मेल आए तो आपको मिल सके, ओके। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/1990 से 1/3/30/6/1999 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे, ओके। तो देखिए हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ST कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया, SC ST के लिए ही वैकेंसी है तो ST है तो ST, SC है तो SC सेलेक्ट। अनमैरिड कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, अगर आपको स्विमिंग आती है तो यस करिएगा, अन्यथा नो रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नमेडिकल लेवल सपोर्ट से संबंधित, स्पोर्ट से संबंधित है तो आप यस या नो करिएगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म कोई अगर आपका डिस्क्रीज वगैरह हुआ है, सर्विस में कोई मिला था या पहले जॉब करते थे आप, तो यहाँ पर यस या नो करेंगे। रिटायर्ड है कोई आपके तो यहाँ पर यस या नो करेंगे। सर्विस टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे उस प्रकार से, फिर ठीक है तो यह ऐसे ही कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या डालना है, अब यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर वगैरह, विलेज, पोस्ट, जो भी अभ्यर्थी का जैसा लगता हो वो पूरा एड्रेस यहाँ फिल करेंगे आप। फिर यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से करें क्योंकि ऑल इंडिया जॉब है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर जिला सेलेक्ट करिएगा, और यहाँ पर आप अपनी सिटी टाइप कर दीजिएगा, जो आपका सिटी है वो टाइप करिएगा। यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड, यानी आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का, जिले का नहीं, आपके क्षेत्र का जो पिन कोड है वो डालिएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा 10 अंकों का, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक। इस प्रकार से आपको सही मोबाइल नंबर देना है, ओके। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर कोई दूसरा परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको अनचेक कर दीजिएगा, जैसे था वैसे रहने दीजिएगा। सेलेक्ट करिए यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर, जहां पर आप एग्जाम देना चाहें, जैसे कि चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, यही आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में जहां चाहें आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, जैसे कि A, B या C, तीनों में कोई भी सर्टिफिकेट है उसके सामने टिक करिएगा, नहीं है तो नन रहने दीजिएगा। उसके बाद जो PVVS अटेम्प्ट, कोई आपने इस तरह का अगर पेपर एग्जाम दिया था तो आप यस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मांगा जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आप नो रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर यहाँ पर 10+2 आपको फिल करना है, 10+2
यहाँ पर फिल करना है, तो 10+2 में आपने ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डालनी है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है, बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बोर्ड से आपने किया हो उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। टोटल मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर डाल रहा हूँ, आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देने हैं, अंक पर डाल देने हैं आपको, तो ऐसे आप कितने प्राप्त हुए वह प्रतिशत यहाँ पर लिख कर आ जाए। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन है 3 साल का ही रहता है, वो उसका आपने कब किया वो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। तो जैसे आप हमने यहाँ पर डाल देते हैं, फिर उसका जो आपका सर्टिफिकेट मिला हुआ है उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालेंगे, और आपने कहाँ से किया वो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। तो हमने वो डाल दिया, चलिए वो भी हम डाल देते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपको अपना यहाँ बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। फर्स्ट ईयर में आपको कितने में कितने अंक मिले वो यहाँ पर आप डालिएगा, ये सब आपको इस प्रकार से फिल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको सब दिखा दे रहा हूँ, तो ऐसे ही आप भी करते जाइएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के अलग अलग अंक मांगे गए हैं, यानी कि क्वालिफाई यहाँ पर होना जरूरी है, तीनों सर्टिफिकेट मार्कशीट होने जरूरी है आपके पास। अगर आपने एमए किया है तो एमए आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, एमए आपने कब किया है वो यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, आपने एमए कहाँ से किया है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, और कितने अंक का था टोटल और कितने अंक आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। इस प्रकार से आपको क्वालिफिकेशन सारी फिल करनी है, नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो 10+2 है उसमें फिजिक्स मैथ जो आपकी कंपलसरी थी, तो कितने अंक आपको मिले 100 का था तो 100 डालिए, और उसमें कितने आपने प्राप्त किए वो डालिए। मैथ में आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, फोटो का साइज 10 से 40 KB, सिग्नेचर का 10 से 30 KB। तो सबसे पहले उस फाइल पर जाएंगे, आपकी फाइल जहां पर है वहां पर जाएंगे, तो देखिए 10 से कितना मांगा गया है उस फाइल का, हम प्रॉपर्टी यहां पर चेक कर सकते हैं, 10 से 40 के भी फोटो मांगी गई है। तो ये देखिए यहां पर हमारी ये फोटो का साइज सही है, तो हम इस फोटो को यहां सेलेक्ट करेंगे और इसी प्रकार से हम अपना सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो हमने ये भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो सर्विस जो पर्सनल है वो अगर आपको यस या नो करना है, ऑप्शनल है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आप अपने क्षेत्र का यानी कि जिले का नाम डाल दीजिएगा, और इतना करने के बाद इस कैप्चर कोड को डालिएगा। तो चलिए इस कैप्चर कोड को हम डाल देते हैं, और इस कैप्चर कोड को डालने के बाद आप देख रहे हैं कैंसिल होम या सबमिट, तो आपको क्या करना है, सबमिट करना है और इसको ओके करना है और फिर से ओके कर देना है, इतना आपको करना है फॉर्म में। और फिर से यहाँ पर ओके करेंगे, क्योंकि इसने क्या कहा कि हमारा जो सिग्नेचर था वो यहाँ पर सही साइज नहीं था। तो चलिए 10 से 40 KB का हमारा फोटो था, हम सिग्नेचर एक बार अपना चेक कर लेते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी पर जाते हैं, सिग्नेचर चेक करने के बाद ही अपलोड करते हैं। इसका साइज नहीं सही है, और ये अपने सिग्नेचर देखिए, इसका भी साइज नहीं सही है, और इसका हम साइज देखते हैं, और इसका भी साइज नहीं सही है, तो फिर हम इसका देख लेते हैं। तो ये देखिए 10 KB के ऊपर है, तो हम इस वाले सिग्नेचर को अब अपलोड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप भी साइज चेक कर पाएंगे, और उसके बाद आप इस कैप्चर कोड को दोबारा से डालेंगे, ठीक है। तो दोबारा से हम इस कैप्चर कोड को डालेंगे 6607, और उसके बाद है 63, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर से सबमिट करना है, ओके करना है, ओके कर देना है, इतना आपको करना है। फिर जैसे ही इतना करेंगे और फिर से ओके करेंगे, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई थी, चलिए हम उसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम मिडिल नेम और डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मिडिल नेम और डाल दिया है, और इस बार देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई थी, उसको हम यहाँ से चेक करते हैं फिर से, ठीक है। तो इतना चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको ये कैप्चर कोड बार बार आपको चेंज करना रहेगा, यहाँ पर फोटो का फोटो आपको सेलेक्ट करनी होगी दोबारा से, क्योंकि ये हट जाएगी हर बार, ठीक है। तो दोबारा से फोटो सही कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इस कैप्चर कोड पर डालते हैं, और इस बार देखते हैं सही से कि क्या प्रॉब्लम आई है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, आप भी अगर प्रॉब्लम आपके सामने इस तरह से आए तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, डुप्लीकेट चेक फॉर्म कुड नॉट बी सबमिटेड रीजन दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर की यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक। हम देखिए मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, और फिर से हम इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे,
और इस सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको लिख कर आएगा, तो आप उसे जरूर यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए 6-3 और फिर इसको हम सबमिट करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं। इतना छोटा सा यहाँ पर इसका प्रोसेस रहेगा और फिर देखेंगे आप इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट बाद में आते हैं, सर मैंने तो प्रिंट ही नहीं निकाला। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। प्रिंट का यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्लोज द विंडो पर क्लिक नहीं करना है, आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। याद रखिएगा, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, कभी भी इधर उधर मत क्लिक किया करें। देखिए हमने जैसे क्लिक किया हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गया, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसे आपको इस प्रकार से आएगा, जिसे आप सेव डेस्कटॉप कर लीजिएगा। डेस्कटॉप पर आपको सेव करने से ये रहेगा आप इसका बाद में भी प्रिंट ले सकते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। तो आप समझ गए सारा प्रोसेस, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, अपने WhatsApp, Facebook ग्रुप्स में शेयर करिए और साथ ही साथ इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।